रिसेंटली गाइस हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं आपको पहले वर्ल्ड गेम्स के कुछ मोबाइल गेम्स बताया था, तो आज वाली वीडियो उसी का पार्ट टू होने वाली है। मतलब कि भाई आज मैं आपको कुछ ऐसे मोबाइल गेम्स बताऊंगा जो कि पहले वर्ल्ड गेम्स की तरह है, एंड इन गेम्स को खेलकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे हम पीसी वाले गेम को मोबाइल में खेल रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो को फुल कंप्लीट देख लेना। बाकी अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस यहां पर मैं आप सबके लिए ऐसे गेमिंग से रिलेटेड अपडेट वगैरह लाता रहता हूं। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते नंबर वन वाले गेम की तरफ। तो वो होने वाले मेट्रिया। अब देखो यार ये गेम आपको बिल्कुल इजीली प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। इस गेम के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि इसके डाउनलोडर सिर्फ 5 लाख है, बट ऐसा नहीं है कि ये गेम बढ़िया नहीं है। ये गेम काफी तगड़ा सा पहले वर्ल्ड क्लोज टू क्लोज गेम होने वाली है एंड इसमें आपको ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाता है। ये 3D एनवायरमेंट का गेम है और इसका ग्राफिक्स बिल्कुल एनिमी टाइप का होने वाला है। एंड गेम के अंदर टोटल ऑफ 3 प्लेएबल्स कैरेक्टर है लाइक GTA 5, एंड GTA 5 गेम के दौरान में कैरेक्टर को स्विच भी कर सकते हैं, सिमिलर इस गेम के अंदर भी है। एंड कैरेक्टर के काफी सारे अटैक्स एंड मूव्स के कॉम्बोस भी देखने को मिल जाते हैं और इस गेम की एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन भी है। गेम के अंदर बहुत सारे साइड एक्टिविटीज हैं लाइक जैसे कि फिशिंग, माइनिंग, क्राफ्टिंग एटसेट्रा, और इस गेम के अंदर पाल वर्ल्ड की तरह पोकेमोन टाइप का क्रिएचर्स भी है जिनको आप बहुत ही इजी तरीके से हंट भी कर सकते हो। और बात करें इस वाले गेम की साइज की तो वो होने वाला है अराउंड 1 GB तक। अब इसी के साथ बढ़ते गए नंबर 2 वाले गेम की तरफ। तो वो होने वाला एओरोरिया प्ले फुल जर्नी। अब देखो भाई इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इसको तुम मोबाइल एंड पीसी दोनों में ही प्ले कर सकते हो एंड ये एक ओपन स्काईफाई वर्ल्ड स्पेस एक्सप्लोजन गेम है। गेम का मैप काफी बड़ा है और गेम में काफी सारे एक्टिविटीज भी है लाइक क्रिएट, क्राफ्ट, बिल्ड्स एंड एटसेट्रा, और इस गेम में पालवर्ड की तरह डिफरेंट टाइप के पोकेमोन भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें हम स्पीसीज के नाम से जानते हैं, जिनको आप टेम भी कर सकते हो, उनके एबिलिटीज को अपडेट्स एंड अपग्रेड भी कर सकते हो। बाकी गेम में काफी सारे वेपन्स भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पालवर्ड गेम में रहता है, जिनको आप यूज भी कर सकते हो। एंड इसमें आपको अपना खुद का घर भी क्राफ्ट करके गेम के अंदर सर्वाइव करना होता है, इवन आपको खुद के फूड भी कुक करने पड़ेंगे, फार्मिंग करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि आपको माइनिंग भी करना होगा। गेम के ग्राफिक्स काफी वाइब्रेंट एंड रिलेसिंग है। बाकी गेम को आप लोग खुद ही ट्राई करके देख लेना। एंड बात करें इस गेम की साइज की तो वो होने वाला 1.1 GB तक। अब इसी के साथ बढ़ते गए नंबर 3 वाले गेम की तरफ। तो वो होने वाला द लेजेंड ऑफ नेवरलैंड। ये गेम ऑलरेडी पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इस गेम को 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है एंड ये गेम आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा, जिसे खेलने के लिए तुम्हें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बाकी गेम में आपको 4 टाइप के अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आपको यूज करना पड़ेगा। एंड सबसे खास बात है कि इसमें तुम अपने कैरेक्टर को फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड गेम के अंदर आपको डेडिकेटेड स्टोरी लाइन भी देखने को मिल जाती है और ये एक एक्शन एडवेंचर RPG जॉनर का गेम है। एंड ये गेम काफी हद तक जेंशिन इंपैक्ट और पैल वर्ल्ड की तरह है और गेम में आपको पैल वर्ल्ड की तरह पोकेमोन टाइप के क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनमें माउंटेन होकर आप गेम के एडवेंचर भी कर सकते हो, और ये पेट हमारा साथ भी देते हैं और गेम में इवन फाइट भी करते हैं, और तो और इन क्रिएचर्स को तुम अपग्रेड भी कर सकते हो। गेम के ग्राफिक्स वंस अगेन काफी अच्छे हैं एंड गेम के अंदर पैलवर्ल्ड की तरह काफी सारे एक्टिविटीज भी देखने को मिल जाती है लाइक माइनिंग, क्राफ्टिंग, फिशिंग, कुकिंग एंड एटसेट्रा, और गेम का साइज होने वाला है 94 MB। अभी इसी के साथ बढ़ते गए नंबर 4 वाली गेम की तरफ। तो वो होने वाला टेल्स ऑफ विंड। ये एक 3D मोबाइल फैंटास्टिक MMORPG जॉनर का गेम है। इसको आप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में ही खेल सकते हो और गेम के अंदर आपको एक्शन ओरिएंटेड कॉम्बैट देखने को मिल जाता है। बाकी गेम सेट है एनिमी इंस्पायर्ड वर्ल्ड में एंड गेम में आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कार्ड कलेक्शन, क्वेस्टिंग, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, PvP, बैटल, फार्मिंग एंड एटसेट्रा। गेम के अंदर पैलवेड की तरह काफी सारे पोकेमोन टाइप के क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन भाई गेम के अंदर मुझे 2 चीज काफी ज्यादा बेकार लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये गेम 2.5D एनवायरमेंट पे सेट है ना कि 3D पे, और जो गेम के अंदर कट एनिमेशन है वो काफी लंबे लंबे देखने को मिल जाते हैं। लिटरली भाई आप बोर हो जाओगे फिर भी ये खत्म नहीं होगा, और इस गेम का साइज होने वाला 3.3 GB। अब इसी के साथ बढ़ते गए नंबर 5th वाले गेम की तरफ। तो वो होने वाला नेक्सो मैन। इस गेम में भर भर के कॉन्टेंट है, हालांकि गाइस गेम में 2D एनवायरमेंट पे सेट है, लेकिन मेरे भाई गेम का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। ये गेम में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। गेम के अंदर आपको पैलवर्ल्ड की तरह काफी सारे पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे। टोटल ऑफ 300 से भी ज्यादा पोकेमोन है जिनको आप कैप्चर करके ट्रेन कर सकते हो, इवन यार उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, बाकी पोकेमोन के अगेंस्ट फाइट में भी यूज कर सकते हो, और गेम के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट एंड बैटल भी है, और गेम के अंदर आपको डेडिकेटेड स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। बाकी ये गेम आपको लो एंड एस वाले फोन में बहुत ही इजी तरीके से चल जाता है एंड ये गेम काफी हद तक पैलवेल्ड पोकेमोन का मिक्सर है। बात करें इस वाले गेम की साइज की तो वो होने वाला है टोटल 1.5 GB तक। एंड ये 5 गेम आपको गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे जिसे तुम डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गाइस टाटा, गुड बाय, टेक केयर।